साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में गरीबों के हक का लाखों रुपए का राशन डकार रहे डिपो होल्डर पर सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग और कुछ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने शिकायत मिलने पर छापेमारी की। जांच के दौरान यहां गेहूं, बाजरा, चीनी और सरसों तेल की मात्रा बेहद कम पाई गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए की गई है। जांच के दौरान यहां से 4 POS मशीन कब्जे में ली गई। इसके रिकॉर्ड के आधार पर डिपो होल्डर के गोदाम में जांच की गई तो यहां करीब 93 क्विंटल गेहूं, 6.5 क्विंटल चीनी, 461 क्विंटल बाजरा कम पाया गया। इसके अलावा गरीबों के लिए आया 3,931 लीटर सरसों का तेल भी कम पाया गया है। तो डिपो होल्डर ने गरीबों का हक का राशन जो है वो डकार लिया है। गेहूं, चीनी, सरसों के तेल की मात्रा काफी कम मिली है। छापेमारी के दौरान 4 POS मशीनों पर कब्जा किया गया है। 3,931 लीटर सरसों का तेल था, वो भी कम मिला है। तो 3,931 लीटर सरसों का तेल जो आया था वो भी कम मिला है। छापेमारी के दौरान कई खामियां यहां पर मिली है। डिपो होल्डर ने गरीबों का के हक का राशन डकारा है। जब छापेमारी हुई तो इस बात का खुलासा हुआ, गेहूं हो, चीनी हो, सरसों का तेल हो, ये तमाम चीज़ें हैं जितनी क्वांटिटी में गरीबों के लिए भेजा गया, राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भेजा गया, उन सभी को जितना ये मिलना चाहिए था उसकी मात्रा कम पाई गई है। यानी कि डिपो होल्डर जो इसकी सप्लाई कर रहे थे उनको, वो गरीबों के हक का ये जो राशन है उसको डकार गए हैं।